नमस्कार, मैं कुमार संतोष। मेरे YouTube चैनल कुमार संतोष शर्मा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेह छात्राओं, जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि आपके व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण अजंत प्रकरण का शुभारंभ हम कर चुके हैं। उसके अंतर्गत आपको हम प्रमुख सूत्रों की व्याख्या और उनके एग्जाम्पल और कुछ सिद्धि, यानी केवल रामायण की सिद्धि हम आपको करा चुके हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत रामायण की सिद्धि के उपरांत प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप रामों की सिद्धि किस प्रकार से होगी उसकी परिचर्चा, इसमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, उसके संदर्भ में आपसे हम विस्तार पूर्वक परिचर्चा करेंगे। और मैं आपसे ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो का मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे और देखेंगे तो आप अपने अधिगम में एक नवीन गति और दिशा प्रदान करने में समर्थ होंगे। अजंत प्रकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और अजंत, जिसका की नाम से स्पष्ट हो रहा है, अज वो जिनके अंत में, उसे बोलते हैं अजंत प्रकरण। तो अजंत प्रकरण का शुभारंभ करते हैं रामव शब्द की सिद्धि के साथ। रामव, तो सबसे पहले इसका परिचय आपको आना चाहिए कि रामव का परिचय क्या है। रामव शब्द है वो अजंत पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रामव बनता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम राम शब्द के अर्थवान होने के कारण, पूर्व में हम आपको राम शब्द का अर्थ बता चुके हैं, रमन्ते योगिनो अस्मिनिति राम है, कि जिस नाम में योगी लोग रमण करते हैं, विचरण करते हैं, विहार करते हैं, वो नाम क्या है, राम है। तो उस राम की आपको सिद्धि करनी है, रामों की। तो सबसे पहले राम शब्द के अर्थवान होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, कौन कौन से सूत्र लगते हैं, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासष्टक, दोनों सूत्र लिख लीजिए। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम एवं कृत तद्धित समासष्टक, ये दो सूत्रों से क्या होगा, राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा कर दी तो स्थिति आपकी राम राम ही बन गई। द्विवचन का रूप है इसलिए राम राम दो बार लिख लीजिए। द्विवचन में रामों का मतलब होता है दो राम, तो प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो दो राम आप लिख दीजिए। इसके बाद सूत्र लिखेंगे आप, सरूपाणाम एक शिशम एक विभक्त, रूपाणाम एक शेषम एक विभक्तम, शेरूपाणाम एक शेषम एक विभक्तम, इस सूत्र से क्या होगा, सरूपाणाम एक शेषम एक विभक्त से एक रूप से एक रूप शेष रख दिया है तो स्थिति क्या बन गई आपकी, राम जाप प्रातिपदिकम प्रत्यय परश्चय, इन सूत्रों से क्या होगा, राम के उपरांत स्वादि प्रत्यय हो, राम प्लस सुआदि प्रत्यय लिख दीजिए, ये स्थिति बन जाएगी राम प्लस सुआदि प्रत्यय, यानी ज्ञा प्रातिपदिकार प्रत्यय परस्य क्या कहते हैं, ज्ञावंत आवंत और प्रातिपदिक के उपरांत क्या हो, सुआदि प्रत्यय, सुअसूट लिख दीजिए यहां पर, सुअजस अमूर्त, इस रूप से क्या करेंगे आप, सुआदि प्रत्ययों की प्राप्ति, सु आदि प्रत्ययों की प्राप्ति,
स्वादी प्रत्ययों की प्राप्ति करेंगे, जैसे राम प्लस स्वादी 21 प्रत्यय लिख दिए यहाँ पर, स्वादी 21 प्रत्यय हो गए। अब आपको लगाना है द्वेपयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से क्या करेंगे आप द्विवचन में अवप्रत्यय, द्वे कयोर द्विवचने एक वचने, द्वे कयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से क्या करेंगे प्रथमा विभक्ति द्विवचन में अवप्रत्यय कर दिया, राम प्लस अव स्थिति बन गई आपकी, राम आपको बनाना है। प्रथमयो पुरुष अवर्ण्य सूत्र लगाइए, प्रथमयो पुरुष अवर्ण्य, इससे क्या होता है पुरुष अवर्ण दीर्घ का आदेश प्राप्त हुआ, पूर्व से वर्ण दीर्घ आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन लेकिन ना अधीची सूत्र क्या करता है इण प्रत्यय परे है तो निषेध कर देगा, लेकिन ना अधीची सूत्र से दीर्घादेश का निषेध कर दिया, दीर्घादेश का निषेध कर दिया, तो स्थिति क्या बन गई राम प्लस आउट मना कर दिया है, तो स्थिति जो पहले थी वही रहेगी, किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन करना ही नहीं है क्योंकि निषेध हो गया, ना अधीची सूत्र से जो दीर्घ का आदेश प्राप्त होने वाला था उसका निषेध कर दिया है। तो आप क्या लगाएंगे वृद्धि रेचि नियम लगा दीजिए यहां पर, वृद्धि रेचि नियम से, वृद्धि रेचि नियम से क्या करेंगे ए प्लस औ को औ करने पर लिख दीजिए, तो इसलिए आपकी बन जाएगी राम में अलग लगा दो और राम में हलंत प्लस औ। अब आपको सूत्र लगाना है अजीनम परेण संयोजम, जो वर्णों को मिलाकर लिखने का काम करेगा, अजीनम परेण संयोजम, अजीनम परेण संयोजम से क्या करेंगे आप वर्णों को संयुक्त करने पर, वर्णों को संयुक्त करने पर यानी मिलाकर लिखेंगे तो राम रूप आपका बन जाएगा, इतनी सिद्धम राम रूप बनेगा आपका इस तरह से। इस तरह से आपको क्या करनी है राम की सिद्धि करनी है, सबसे पहले परिचय लिखना है कि राम शब्द है आज क्या है, इसका परिचय अजंत में है पुल्लिंग में है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप ये लिख दिया, सबसे पहले अर्थवान है इसलिए क्या करेंगे अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत अधि समास से क्या करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रातिपद द्विवचन का रूप है इसलिए दो बार लिख दिया है राम राम, सहरूपाणाम एक शेषम एक विपक्तव से क्या करेंगे एक समान रूप एक शेष रखेंगे तो राम रूप रह गया, क्या प्रातिपद का प्रत्यय प्रश्चय से क्या करते हैं राम के उपरांत सुपादि प्रत्यय हो तो राम के उपरांत सुपादि प्रत्यय लिख दिया है, सुवजर से आपके जो सारे के सारे 21 प्रत्यय तुम औ जस आम कोष्टाभ्याम बिस गेभ्याम व्यस घसीभ्याम घस घस ओस आम घी ओस ये सारे के सारे प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन क्या करेंगे द्वे के दिवस सुपय सूत्र मोड़ दूंगे, सुपय सूत्र से वचन संज्ञा कर लिया आपने, वचन संज्ञा करेंगे तो प्रथमा राम प्लस प्रथमा द्विवचन ये लिख दिया है, सुपय सूत्र से वचन संज्ञा और कर लिया आपको, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है सुपय सूत्र से वचन संज्ञा करेंगे सूर्यजस के बाद और द्वितीय द्विवचन से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में आप क्या करेंगे औ प्रत्यय राम प्लस औ आ गया है, प्रथमयो पुरुष सवर्ण सूत्र से क्या हो रहा था पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश प्राप्त हो रहा था लेकिन ना अधीची सूत्र से क्या कर देंगे इसका निषेध कर देंगे तो आपकी स्थिति क्या बन जाएगी राम प्लस औ बन जाएगी,
प्रतिरेचि नियम लगाएंगे, ए प्लस औ को आपने क्या कर दिया है, औ कर दिया है, तो राम में निरंत आ गया, औ लिख दिया है। और इसी तरह से अजिनम परेण संयोजन सूत्र से जब आप वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो आपका रामव रूप बन जाएगा द्वितीया विभक्ति, नहीं प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रामव रूप निष्पन्न होगा। इस तरह से आपको सिद्धि करनी है। इसके बाद आपको रामा की करनी है। सूत्र हम आपको लिखा चुके हैं। एक बार मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप हमें करके दिखाइए कि रामा की सिद्धि। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कल नेक्स्ट डे हम आपसे फिर चर्चा करेंगे रामा प्रथमा विभक्ति बहुवचन की सिद्धि के संदर्भ में। तब तक के लिए मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा। और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अध्ययन को जारी रखें। इसी मंगल कामना के साथ मैं कुमार संतोष आज की क्लास में लेता हूँ आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।